ना करम कर लेना। क्या कर रहे हो? एक दिन इन्होंने क्या गुस्ता के कि आते ही मेरे पैर छूने छूने लगे। मैंने कहा भाई आप प्यार हो और प्यार कभी झुकता नहीं। तो ये हमारे प्यार जो वाले जो 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 प्यारो जो है न्यूज वालों के सामने न्यूज वाले सबको दबा के रखते हैं, सबको दबा के रखते हैं सबको, मतलब उनके सामने कोई आवाज नहीं कर पाता, चाहे पुलिस हो, पब्लिक हो, पॉलिटिशियन हो, जितने भी पी हो, कोई भी उनके सामने आवाज नहीं कर सकता। इनको हमेशा दबा के रखते हैं, शायद इसीलिए इनको प्रेस कहा जाता है। दोस्तों चूंकि फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की बात हो रही है तो हमारी बहुत सीनियर कलाकार हैं टीना जी, वो भी स्टेज पे आ जाएं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आज ये हमारी संस्था जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का वुमेन सेल का प्रोग्राम्स है और हमारे जो फाउंडर महोदय हैं सनी शाह साहब, जिनकी अपनी एक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस हुई है, मानव अधिकार फेडरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, सारी महिलाओं की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री के आए हुए हस्तियों का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक करके सबका स्वागत हो। प्लीज रुखसाना जी, दोस्तों हमारे मीडिया के पार्टनर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा और बहुत सारी हंसी आई हैं उनका भी एक एक करके स्वागत होगा। याद है, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। पुरुषों का सम्मान एक बार, नारी का दो बार। अच्छा, मैं रुखसाना जी से कहूंगा कि आज हमारे अध्यक्ष महोदय सबसे पीछे हैं। एकता जी, इधर 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 इधर। दोस्तों साजन अग्रवाल साहब से मैं चाहता हूं, वो भी जितने भी महिलाएं हैं उन सबको हैप्पी वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और सनी जी के साथ एक साल से जुड़ा हूं, उनके एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नई पार्टी भी फ्लोट हो गई है और 27 राज्यों में उन्होंने अपने ऑफिस खोल दिए हैं और अगले इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो इस पार्टी से आगे आएंगे। तो उनको ऑल दी बेस्ट। और आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं उन सबको हैप्पी वुमेन्स डे। सुनील पाल जी ने सब कुछ बोल दिया तो कुछ बचा ही नहीं मुझे बोलने के लिए, तो मैं कनौजिया जी से बोलूँगा कुछ बोलें। अल्लाह मेहरबान गदा पहलवान, हम सब लोग इनके सेट पे जाते थे स्ट्रगल करने के लिए और इनका जलवा हमने देखा है। कादर भाई को और कुलभूषण खरबंदा जी को सीन समझाते थे, लगता था कि यार कभी हमें इनके साथ बैठने का मौका मिलेगा। आज उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, ये हमारा वाकई सौभाग्य है। और मैं चाहता हूँ कि नारी दिवस पर आप भी अपने दो शब्द कहें, आपका तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सर नारी, नर के बगैर नारी अधूरी है और नारी के बगैर नर अधूरा है। ये बात खड़े हैं नीचे जब डर नर पड़ता है तब घर बनता है और जब घर बनता है तो परिवार बनता है, परिवार बनता है तो गांव, शहर, देश बनता है। तो अगर हम सब मिल के चलेंगे, आपस में एकता रखेंगे, एक इरादा रखेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और मैं चाहूँगा इस वक्त हमारे बीच एक डॉक्टर सुधीर तारे जी हैं, वो यहाँ आए हुए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के इंटेलेक्चुअल एडवाइज़र हैं। उनको मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएं और उनके बारे में बताना चाहूँगा। रिसर्च गाइड हूँ, 350 लोगों ने मेरे निर्देशन में PhD प्राप्त की हुई है। कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने मेरे को अभी जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत सरकार ने भी मेरा डाक टिकट जारी किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने 13 अक्टूबर को 2017 को मेरा डाक टिकट जारी करके मेरे को वहाँ पे डिलीट प्रदान किया है सर। और अभी अभी 3 दिन पहले मेरे पास लेटर आया है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन
एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन, इसका मेरे को इंटरनेशनल मेंबर बना दिया गया है। ये जो विश्व की संसद है उसका संविधान जो बनाने का है उसमें 200 देशों में से सिर्फ 25 लोगों को चुना गया है और उसमें मेरा नाम है। मैं आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, इस मंच पे मेरा सम्मान किया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कारगिल वाला बताता हूँ, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। जो आज का दिन है सावित्रीबाई फुले जी के सिलसिले में, तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बारे में मैंने करीब 40 साल काम किया हुआ है। रह गया कारगिल का हिसाब जो है, ये गडरिया यानी धनगर लोग जो हैं वो उनको एक गुप्त भाषा, सांकेतिक भाषा, सीक्रेट कोड लैंग्वेज उनको आती है। वो लैंग्वेज उसको कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स या लैंग्वेज ऑफ विसल्स, सीटिया। अभी आपको ताजुब होगा, जब बॉर्डर के ऊपर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट उन्होंने देखी तो गडरिया ने सीटी बजाई, कुछ सेकंड के अंदर वो सीटी 5 किलोमीटर दूर तक चली गई। फिर और सनी जी का, सुनील पाल जी जो हिंदुस्तान के नंबर वन कॉमेडी है, भाभी जी यहाँ पे बैठी हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ, मेरी एक बहुत फीमेल ओरिएंटेड एक फिल्म है जो दिल्ली में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, निर्भया कांड पे आधारित है, फिल्म का नाम है दिल्ली बस। एक फिल्म और मैंने की अभी, जिस जो फिल्म है इंटरनेट क्राइम पे, जैसे कि आजकल आप लोग बहुत सारी लड़कियाँ शिकार हो जाती है इंटरनेट क्राइम का, तो खैर वो तो उतना टाइम नहीं है बहुत सारी लंबी कहानी बताने का, लेकिन मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की हर माँ के लिए और हिंदुस्तान की हर फीमेल के लिए। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे साथ कहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के नंबर वन कॉमेडी भी हमारे साथ खड़े हैं। तो प्लीज़ दो लाइनें कह रहा हूँ तो आप सब मेरे साथ कह दीजिए, और बाद में अच्छे लगेंगे तो थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा। रेडी रहो भाई, टीना जी रेडी? यस सर। रेडी भैया? हर घर में माँ की पूजा हो, कह दीजिए। वाह वाह वाह। हर घर में माँ की पूजा हो, कह दीजिए। आवाज नहीं आ रही। ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं दुनिया की हर माँ के आगे, अपना शीश झुकाता हूँ। तो मैं दुनिया की हर फीमेल और वुमेंस डे के आगे अपना शीश झुकाता हूँ, और वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू रामा भाई, सुनील भाई, सनी जी, हिमांशु जी, टीना जी, भाभी जी, लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के संस्थापक के नाते आज मैं आप जितने भी यहाँ पे लोग अपना कीमती समय देके आए, जो अतिथिगण आए, जो हमारे सदस्य यहाँ पे आज हाजिर हुए हैं, दूर दूर से कुछ लोग शायद गुजरात, नागपुर और अलग अलग राज्यों से भी लोग कुछ आए हुए हैं, कुछ गुजरात से भी आए हुए हैं, तो मैं उन सब का अपने तहे दिल से सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं अपनी संस्था की तरफ से कि आप अपना जो कीमती समय निकाल के आज के कार्यक्रम को जो आपने श्रेय दी वो श्रेय आप लोगों को जाता है। जो अतिथिगण आए आज, जिसने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस किसी भी मेरे छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं ने आज का प्रोग्राम को अच्छी दिशा देने के लिए जो भी मेहनत की है उसको सब, उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब साथ में आज हम एकत्रित हुए हैं महिला दिवस के लिए, तो क्या हुआ था, एक क्वेश्चन हुआ था मेरे पास मेरे दफ्तर में कि सर हम महिला दिवस का कार्यक्रम तो करने जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है और हम क्यों करना चाह रहे हैं ये कार्यक्रम और हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो संदेश इतना था, बहुत छोटी सी बातें थी। देखो अक्सर आज यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ मेरे माँ की उम्र की होंगी, कुछ मेरी बहन की उम्र की होंगी, तो उसके अनुसार जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आज, जो मेरा अनुभव है कि हो सकता है कि कुछ मेरे से भी ज़्यादा अनुभवी लोग यहाँ पे हो, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पिछले जिस सालों से भी मैं आज ये मानव अधिकार के ऊपर काम करता आ रहा हूँ, एक चीज़ मुझे हमेशा दिखती है कि एक दिन महिला दिवस आता है उस दिन हर इंसान महिला का सम्मान करता है और ठीक दूसरे दिन वो इंसान उस चीज़ को भूल जाता है। इसको कभी उन्नति से देखा ही नहीं। बड़ी बड़ी देश में बड़ी बड़ी पार्टियाँ आई, पॉलिटिकल पार्टी से लेके आप अलग अलग मंचों को पकड़ लो, समाजसेवी संस्थाएं, उन्होंने एक बार परसेंटेज तक के देना शुरू कर दिया सिर्फ महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए,
कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाए, उसके बाद 50% का आरक्षण दिया जाए। आज तक सिर्फ आरक्षण में ही रही महिला, उससे आगे बढ़ के किसी ने देखा ही नहीं महिला को। तो इस ये देखते हुए बड़ा अफसोस होता है कि सिर्फ हम आरक्षण के हेतु हम सोचते, क्या उस चीज पे कभी अमल हुआ है? तो सम्मान के साथ ये हमारा इनविटेशन स्वीकारते हैं, और जब हमने महिला दिवस का भी इनविटेशन को दिया तो योगेश जी खुद यहाँ पे आ गए, मैं बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, आज ये महिला दिवस का प्रोग्राम है हमारी अपनी वुमेन सेल का, और इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे और आप सबका सहयोग चाहिए। दोस्तों, आज ये महिला दिवस का प्रोग्राम है हमारी अपनी वुमेन सेल का, और इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे और आप सबका सहयोग चाहिए। तो मैं रेखा जी से चाहता हूँ कि वो इस अरे बहुत साफ नीचे मुझे लगता नहीं कि जितनी बड़ी चेंज दिखाई जा रही है कितनी चेंज हुई। आई एम ऑनेस्ट सी विमेन यस काम करती हैं कंधे से कंधा मिला के। आजकल लोग कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ना काम करे तो घर नहीं चल सकता। पहले स्त्री जो थी वो सिर्फ घर तक सीमित थी, घर का काम देखना, बच्चों को देखना। अब घर का काम भी देखना, बच्चों को भी देखना, और साथ में नौकरी या सर्विस या बिजनेस जो भी करती हैं वो सब कुछ करती हैं। सी आई जस्ट सेड इट कि एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, देयर इज नो स्पेसिफिक डे एज सच, लेकिन क्योंकि त्योहारों का फेस्टिवल का दिन बांधा गया है, जैसे आज दिवाली है उसका कोई कारण बन गया है, आज दशहरा है उसका कोई कारण बन गया है, आज फलान है, आज धमाका। अभी तो खैर बहुत दिवस हो गए, हग डे, रोज डे, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका अंत ही नहीं है। तो लाइक सुबह आप उठते हैं कन्फ्यूजन में, आज कौन सा डे होगा, पता नहीं क्या होगा। सो लाइक द मदर्स डे, देयर इज अ डॉटर्स डे, सो आई थिंक एज यू से एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, उनकी जो है, इसलिए उनकी जो सेलिब्रेशन एवरी डे की है। आज भी देखो आज भी बहुत सी औरतें जो हैं खूबसूरत बच्चे दे रही होंगी अपने परिवारों को, लड़के हैं लड़कियां, तो वो हर रोज तोहफा देती है आपको। माई हैं, खूबसूरत बेटियां पैदा करती, खूबसूरत बेटे पैदा करती हैं, तो उनके लिए तो हर डे सेलिब्रेशन का होता है। ओके, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, वुड यू बी इंटरेस्टेड जॉइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी? सी आई हैव बीन ऑफर्ड मेनी टाइम्स, मेरे पास कम से कम 3-4 पार्टीज आ चुकी हैं, और यहाँ तक कि मैं लास्ट मेरी मीटिंग मुझे याद है सनन सर में थी, तो दी ऑफर्ड मी टिकट, तो मैंने बोला मुझे सोचने का समय दो, बिकॉज मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं मैं पॉलिटिकल पार्टी में जा करके कहीं पॉलिटिक्स ना खेलने लगूँ, मुझे उस बात से डर लगता है। तो हो सकता है कि आप ना भी खेलना चाहें, तो एक होता है ना कि आई डोंट कमेंट लाइक यू नो, इट मे साउंड वेरी हार्श, I'm not saying political people are bad, they're very good, they see how the country is running, the politicians, the bureaucrats are running the country, you know, but the whole idea is, agar aap election nahi bhi ladenge, aap nahi bhi jayenge, agar aapko samaj ki seva karni hai, to bahut tarike hai karne ke. So I'm doing it, and I pray to God that I keep doing it till I'm alive. Thank you ma'am, thank you so much. मुबारकबादी चाहूंगा, आज दो दिवस पे आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस संस्था के माध्यम से क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और क्या कहना चाहेंगे कितना बदलाव आया है? सर, हम बदलाव ये लाना चाहते हैं कि हर वक्त हर साल हम लोग महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं, उसके बजाय हम इंसानों की काउंसलिंग करें, जिससे कि महिलाओं को समझने में जो पुरुष नज़रअंदाज कर देता है उस चीज़ को बढ़ावा मिले, और हमारी महिलाओं को बाहर निकलने का अवसर मिले। जब जिस तरीके से चीन ने आज बाहर निकलने का अवसर दिया है, तो इसकी वजह से आज चीन प्रदेश इतना आगे निकल चुका है कि वहाँ पे महिला आप बोल सकते हो कि इंसान अपने इंसानों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, लेकिन अभी तक हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि वो पूरी तरीके से हम यहाँ पे सक्षम नहीं कर पाए अपनी महिलाओं को। तो ह्यूमन राइट जो चीज़ है, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट होता है ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ की अगर बात करें? सर, गवर्नमेंट बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा लक्ष्य गवर्नमेंट का नहीं है, और उसके अलावा क्या है, जो संसाधन है या कानून नहीं है, एक मजबूत कानून भी नहीं है देश के अंदर मानवाधिकार को लेके। अगर आप दूसरे कुछ देशों में देखो तो मानवाधिकार के उल्लंघन पे कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इस देश में अभी तक उस चीज़ पे कोई कानून भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के हमारे प्रयास चल रहे हैं, आने वाले समय में हम ये सारी मांगे हम
सरकार के पास रखेंगे और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हर एक महिला से कहना चाहूँगी विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और जैसे हमारे डॉक्टर सनी शाह सर ने कहा कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, और आगे जिस तरह से वो काम करते हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनके कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश। बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पे जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में? जी महिला हैं, जैसे मतलब पहले का ज़माना था उसके मुकाबले में अगर हम आज देखते हैं तो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है और ये अच्छी बात है, और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है आगे जाके और ज़्यादा अच्छा एम्पावरमेंट हो सकता है। ओके सर, ये क्वेश्चन इज टू यू, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन यू सेड तो उसके लिए क्या, यू नो वी हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर फ्रॉम द बॉलीवुड, दे आर रूलिंग द पॉलिटिकल पार्टी, दे आर फॉर एग्जांपल जया जी इज अ पार्ट ऑफ इट, रेखा जी इज पार्ट ऑफ फ्रॉम द इंडस्ट्री। विश्वनाथ, लोकसभा के इलेक्शन का जो हमारा मुद्दा है और जो हमारा एजेंडा है वो पूरा दुनिया से अलग है चीज़ें, और जो राजनीति जिस तरीके से आज की जो पार्टियां राजनीति कर रही है उस तरीके की सोच हम नहीं रखते हैं, इसीलिए हम अपनी पार्टी के नाम में भी मानवाधिकार ले आए कि वो जो मानवाधिकार के जो हनन हो रहे हैं आज ये अर्बन सिटियों में आप लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन जब आप गाँव के दूसरे देशों में भारत के जाएंगे, गाँव जब घूमेंगे तब आपको पता चलेगा कि लोगों के साथ कितना बड़ा बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमारी पार्टी एक नया रूप रखना चाह रही है। अब वो जनता के हाथ में है कि जनता उसको कितना अच्छे से समझ सकती है। बॉलीवुड से भी क्या आप लेना चाह रहे हैं? बॉलीवुड से भी हम कैंडिडेट लेंगे, बॉलीवुड से भी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो सक्षम तरीके से समय दे सकता हो राजनीति में, तो हम उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो जरूर आ सकते हैं। थैंक यू सर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।